हेलो स्टूडेंट्स तो अब ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स का इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल लगता है देखने में बहुत ही इजी लिमिट पे बेस्ड है क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन है लिमिट ए इज इक्वल टू वन एक्स बाई एन माइनस एक्स बाई एन वन पावर एन की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है ऑप्शन गिवेन है ऑप्शन में कॉसेक्स साइनेक्स वगैरह भी दे रखा है इसका मतलब हमको पता होना चाहिए कॉसेक्स का एक्सपेंशन होता है पॉवर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल माइनस एक्स टू दावर सिक्स अपॉन सिक्सोरियल प्लस टिल इन्फिनिटी और साइन एस का पॉल फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल लाइक तो जनरली स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं कि एंड इंटू इन्फिनिटी ऑप्शन में प्लस में क्वेश्चन में पुट कर देते हैं और 1001 आंसर मींस डी ऑप्शन निकाल लेते हैं जो कि गलत है तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका ए स्क्वायर पहले इसका ए स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर करने पर आया वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर टू एक्स और माइनस टू एक्स बाई एन और वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर यहां पे एक चीज यहीं पे एक पैटर्न दिमाग में रख लें कि डायग्नल एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं और जो अपोजिट डायगनल है जो मतलब कहने का मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इनमें माइनस का डिफरेंस है मींस जैसा भी फर्स्ट रो होगी उसी के अकॉर्डिंगली सेकंड रो हम लोग डिजाइन कर सकते हैं अब इसका ए क्यूब किया, ए क्यूब किया तो आया वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और सेकेंड एलिमेंट है एक्स बाई एन माइनस एक्स क्यूब बाई एन क्यूब और प्लस टू एक्स बाई एन और सेकंड रो जैसा कि मैंने बताया कि पहले एलिमेंट विद माइनस साइन कर देंगे और सेकंड एलिमेंट एज इट इज जैसा कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है अब तो इसको इसको लिख लिख कैसे लिया लिया हम केवल को ही कर रहे हैं क्योंकि सेकंड रो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है अब यहीं से देखना है यहीं से देखना है इस one को लिखा three c zero, माइनस थ्री को लिखा थ्री सी टू थ्री सी वन नहीं लिखा थ्री सी टू लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से हिंट लगी कि इसको थ्री सी टू लिखा जाए और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट थ्री को लिखा थ्री सी वन एक्स बाई एन माइनस यहां पर एक्स क्यूब बाई एन क्यूब को लिखा थ्री सी थ्री एक्स क्यूब बाई एन क्यूब इतना लिख लिया तो अब यहां पे पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अगर हम ए टू दी पावर एन करेंगे तो वो आएगा एनसी जीरो माइनस एनसीक्वायर प्लस एनसी फोर एक्स की पावर फोर फोर माइनस नेक्स्ट होता है और इसी तरह से फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट एनसी वन एक्स बाई एन माइनस एनसी थ्री एक्स क्यूब बाई एन क्यूब प्लस फाइव एक्स की पावर फाइव बाई एन की पावर फाइव माइनस एनसी सेवन एक्स टू दावर सेवन अपॉन एन टू पावर सेवन टिल इनिटी ये आता सेकंड रो को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अब यहां पर अब यहां पे लिमिट ली है टू इनफिनिटी तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिए अगर एनसी टू अपॉन एन स्क्वायर में टू करेंगे तो इट एनसी फोर अपॉन एन की पावर फोर में एन ट टू इंफिनिटी करेंगे तो इट कम्स वन अपॉन ट्वेंटी फोर मीन वन अपॉन फोर फैक्टोरियल इसी तरह से एनसी थ्री अपॉन एन क्यूब अगर करेंगे और इसमें रखेंगे तो इट कम्स फैक्टोरियल ठीक पहली रो हो गईल माइनस अपॉन्ट सिक्स फैक्टोरियल टेल इनफिनिटी और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हो गया एक्स माइनस एक्सॉइन थ्री फैक्टोरियल अपॉन फाइव फैक्टोरियल माइनस अपॉइन सेवन फैक्टोरियल टिल इन्फिनिटी तो जो पहला फर्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट है वो कॉस एक्स का एक्सपेंशन है और फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो साइन एक्स का एक्सपेंशन है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट विद नेगेटिव साइन मींस माइनस साइन एक्स और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट सेम एज फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मींस कॉस एक्स यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है ये माइंड स्टॉल क्वेश्चन है थैंक यू